हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और बार। जी हाँ, तो देखो हम फ्लटर की क्लासेस पढ़ रहे थे। फ्लटर में हमने देखो ये एपीआई वगैरह लगाई थी, ठीक है। हमने ये प्रोडक्ट वगैरह लगाए थे, उसी के हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये एपीआई प्रोडक्ट की एपीआई थी हमारी, हमने वो एपीआई को लगाया था। उसमें ऑल प्रोडक्ट आए थे, वो फिल्टर नहीं हो रहा था कैटेगरी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो उसी को आगे लगाएंगे, ठीक है। जो लोग नए आए हुए हैं वो क्या करें, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक उन लोगों को लिंक मिल जाएगा। उससे क्या करें, वहाँ पे गिटहब का एक यूआरएल है, ठीक है। देखो हम दिखाते हैं, गिटहब का एक यूआरएल है, उस गिटहब के यूआरएल पे जाएं, वहाँ से उनको देखो ये हमारा ऊपर चैनल दिख रहा सामने, ठीक है। ये चैनल दिख रहा है इधर, ठीक है। ये चैनल दिख रहा। अब हम कैसे जाएंगे इस चैनल पे, इस चैनल पे आओगे देखो, तो ये वाला है ई कॉमर्स क्रिएट फ्लटर मोबाइल ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स ऐप लाइव क्लासेस, इस वाले वीडियो पे जब इस वाले पे हम जब भी जाएंगे, ठीक है। ब्यूफुल जब तो सबसे लास्ट का वीडियो जो होगा, जो इससे पहले की जानना चाह रहे हैं ना, तो उसका पहले से देख लें। मतलब ये 15 क्लास 16 क्लास, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे हम। 17 क्लास है एक तरह से, ये समझ लो। जिसको इसको पहले की क्लासेस कवर करनी है, वो पुराने वीडियो देखे उसी हिसाब से। सपोज को लास्ट वीडियो ये है, ठीक है। लास्ट वीडियो ये है, तो इस वीडियो में अगर आपको देखना है कि यहाँ तक कैसे बनाया हमने, तो उसका जो कोड चाहिए आपको, तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखो रेस्ट एपीआई जो है, रेस्ट एपीआई का यूआरएल यहाँ पे है, फुल ट्रेनिंग वीडियो, ठीक है। ये है गिटहब का कोड, ठीक है। यहाँ पे कोड मिल जाएगा गिटहब पे। यहाँ पे जब भी हम जाएंगे, ठीक, गिटहब दिख रहा होगा, गिटहब, गिटहब का यूआरएल, गिटहब का यूआरएल यह है। अब यहाँ से हम, जैसे हम गिटहब पे आएंगे, तो ये वाला यहाँ से रेपोजिटरी है, ये ऐसे करके पूरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको अनजिप कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, और सबसे लास्ट की वीडियो ये वाली है ना, सबसे लास्ट की क्लास, जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो सबसे लास्ट का जो उसमें फोल्डर होगा, वो वाला फोल्डर चाहिए आपको, ये लास्ट वाला, ये वाला। सपोज करो इसको हम डाल लेते हैं डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम, इस फोल्डर को हमने ले लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से देखना सही से, इसको हमने डेस्कटॉप पे ले लिया, कॉपी हो रहा। अभी हम यहाँ से चला रहे थे, वहाँ से हम, अब देखो जो ये आया ना, ये यहाँ से चलाएंगे देखो, ठीक है। अब जो ये आया ना, इसको हम ओपन करेंगे सीएमडी में। सबसे पहले ये हमने फोल्डर ओपन कर लिया। अब ऊपर हमने ऊपर क्लिक किया सीएमडी में, ओपन करने के लिए सीएमडी टाइप करा और एंटर को प्रेस किया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अब जो ये पहले का था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमारा जो ऐप था वो अभी ये यहाँ से रन हो रहा है, फिर से रन होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, CODE कोड स्पेस डॉट करेंगे, तो हमारा जो ये कोड रहा है जो डाउनलोड हुआ है, वो हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, क्लास 15 है 15, अच्छा हाँ, इसी के आगे वाला, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये कैसे फोल्डर पड़ा हुआ है, सेकंड, इसके अंदर ये कैसे आया, चलो पहले इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखो कैसे चलाएंगे। इतना हो गया, अब हम बीएस कोड में ओपन हो गया। अब हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे गए, यहाँ पे करेंगे फ्लटर पब गेट, पब गेट। जैसे ही पब गेट करेंगे तो क्या होगा, या तो फ्लटर डायरेक्ट रन करो, फ्लू फ्लटर रन, ठीक है, तो भी वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेगा। नेट कनेक्ट होना चाहिए आपके लैपटॉप में, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेगा और फिर चल जाएगा। अभी देखते हैं कहीं ये पुराना कोड तो नहीं है। पुराना कोड अगर हुआ तो फिर हमें
अपडेट करना पड़ेगा गिटहब पे। अब देखो तब तक इधर चल रहा, इंस्टॉल हो रहा। ये तो देखो हमारी एपीआई है। पहले की एपीआई में क्या था, कैटेगरी आईडी नहीं भेज रहे थे हम, सीधे और लिस्ट आ रही थी, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें तो और लिस्ट आ रही थी, ये सब कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले की एपीआई में हमारे प्रोडक्ट से, ये हमारी गेट एपीआई है, ये हमने बनाई हुई है सर्वर पे, इसका ये यूआरएल है, ठीक है। इसमें हमारे देखो कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसमें इमेज वगैरह भी सब कुछ आ रही है सही। इसमें देखो कैटेगरी आईडी भी आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से अब ये भी हमारा ऐप, अब देखो ये रन हुआ, ठीक है, ये ऐप रन हुआ। देखते हैं, ऐसा लग रहा पुराने वर्जन का लग रहा है, नहीं तो नहीं सही तो लग रहा है। हाँ ये पुराने वर्जन का कोड है, पुराने वर्जन का है। एक सेकंड थोड़ा हम चेक कर लें। एपीआई लगी है या नहीं इसमें कैटेगरी में, और ऑल वाले में एपीआई लगी है, राइट। और टॉप वाले में था उसमें देख लें, ये पुराने वर्जन का कोड लग रहा है। इसमें देख लें ऑल कैटेगरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ये वाला नया वर्जन का कोड है, ठीक है। ये वाला कोड जो है वो अपडेटेड नहीं है, लाओ अपडेटेड कर ही देते हैं। इसका कोड लिया हमने, एक मिनट पहले हम इस पर क्या करेंगे, फिल्टर पंप फिल्टर सी एन ई एन, इसको क्लीन करा। अब हम इसको इस कोड को ना अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम के अंदर क्लास सेट्टी नाम से बना देते हैं तब सही रहेगा। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, लाइव लाइव क्लास 16 SHOPPING शॉपिंग हब, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर हम कोड हमने डाल दिया। अब हम इसको हम अपडेट कर देते हैं गिट पे, ठीक है। एक मिनट में अभी कर रहे हैं, गिट स्टेटस गिट एड गिट कमिट माइनस, क्या है अपडेटेड कोड पहुंच जाएगा सर्वर पे। क्लास 16 अपडेटेड कोड गेट पुश, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पे एक और क्लास का कोड आ गया, ठीक है, ये आ गया 16 वाला है। अब ये वाला कोड ओपन करना आप लोग ई कॉमर्स ऐप, ये वाला जैसे अभी मैंने सेम प्रोसेस का सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जो हमारा पुराना वाला था इसको हम हटा देंगे। अब ये वाले कोड से हम ऐप को रन करेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं फ्लटर रन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये हमें जो ये वाला कोड है, ये वाला कोड हमने सर्वर पे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे गिटहब पे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, ठीक है।
पंद्रह नंबर। अरे तो यहाँ से दिख नहीं रहा, छोटा करना पड़ा। देखो अब दिखा होगा, अब दिखा होगा। चलो ये वाला आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ से इस वाले, यहाँ से हम रन करेंगे, फिर इस पर आगे काम करेंगे। ठीक है, अब देखो एपीआई में हमने क्या किया है, तब तक वो रन हो रहा है, रन होने देते हैं। ठीक है, एपीआई में हमने क्या किया, एपीआई में पास करना होता है देखो परम में कैटेगरी आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे परम जैसे ये दे दिया, यहाँ पर लिखे हैं कैटेगरी आईडी, बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, और बन हो जाएगा आपका मोबाइल के लिए। तो इसमें सिर्फ मोबाइल वाले प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। देखो ये सिर्फ मोबाइल वाले आ गए, कैटेगरी वन आएगी सब में आओ। ठीक है, अब हम कैटेगरी टू यहाँ पे भेजेंगे। ये देखो एपीआई टेस्ट कर रहे हैं अभी हम, एपीआई यहाँ पे हमने कैटेगरी एक टू भेजी, तो बस टू वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। टू में क्या है, लैपटॉप है, तो सारे लैपटॉप आ गए ना, और थ्री में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो थ्री में बस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ना ये फिल्टर हो जाएगा कैटेगरी वाइज। सेम ही एपीआई रहेगी, कुछ भी नहीं करना है, बस खाली एक ऑप्शनल पैरामीटर सेंड करना है। ये पैरामीटर ना ऑप्शनल है, अभी देखो कैसे सेंड करेंगे हम फिल्टर में, वो भी हम बताएंगे। इससे क्या है ना, फिर हमारे कैटेगरी वाइज हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो फिल्टर होके आएंगे। ठीक है, ये देखो आगे सबसे पहले ऐसे लोड होते हैं इमेजेस, वो हमने पिछली बार क्लास में बताया था, और ये हमारा लेटेस्ट कोड आ गया। ठीक है, अब देखो जो भी ये प्रोडक्ट हैं देखो सारे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ऑल में सारे आएंगे, फिर लैपटॉप में लैपटॉप वाले आने चाहिए बस, मोबाइल में मोबाइल वाले आने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक वाले आने चाहिए, तो वो चीज़ हम बताएंगे आज। ठीक है, समझ में तो आ रहे हो ये, चलो अच्छा चल रहा है, आगे आगे चलते हैं अब, और फाइल ओपन करिए। तो हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम तुम्हें बताएं, सबसे पहले देखो लैपटॉप वाली करें ओपन। ठीक है, इसे तो कर दो बंद, लैपटॉप वाली क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें एक पैरामीटर होता है, वो ऑप्शनल भेजा जा रहा है, तो वो पैरामीटर कैसा भेजा जाएगा, कैटेगरी आईडी वन, तो इसमें डेटा एक मिनट थोड़ा सा, सेंड एस एन सेंड परम्स पी ए आर ए सेंड परम्स इन फ्लटर गेट एपीआई। ठीक है, देखो क्वेरी, हाँ ये है। ठीक है, इस तरह से हम बना ले रहे हैं, और हम यहाँ पे सब भेज देंगे। तो हमें भेजना है क्वेरी परम कॉमा लगा के, एक हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे, लिखेंगे सी ए टी जी ओ आर वाई। वेरिएबल बनाए अच्छा ये है इस तरह से, एक मिनट पूरा का पूरा ये कोड ले लेते हैं। ये हेडर ये है क्या, एच टी टी पी HTTP है ये क्लाइंट, तो HTTP क्लाइंट से CLIENT।
देख रहे हैं इस वाले को बैठ के काम कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। कैनॉट असेंड। यू आर आई पार्स। चलो इसको ऐसे भेज रहे हैं। स्लैश लगा क्वेश्चन मार्क लगा सी ए टी जी ओ आर फाइव कैटेगरी आई डी। कैटेगरी आई डी में हम भेज रहे हैं इक्वल टू ये है लैपटॉप तो लैपटॉप में है लैपटॉप की आई डी है टू। आप देखें काम कर रही है नहीं कर रही है। अब हम लैपटॉप टू वाले दो वाले में अब इसको रिलोड करेंगे। यहाँ से रिलोड किया ठीक है रिलोड हो गया आर प्रेस करके। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाले में सिर्फ लैपटॉप आना चाहिए ठीक है सिर्फ लैपटॉप आ गए ठीक है। इजी है बहुत ही इजी है समझ में आया होगा। बस इतना सा काम था बस खाली एपीआई में एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना था है। यहाँ से देखो सिर्फ हमने टू भेज दिया इस तरह से यूआरएल में और कुछ नहीं ठीक है। ऐसे करके हम क्या करेंगे लैपटॉप वाला हो गया। अब मोबाइल वाले में वन भेजना है मोबाइल वाले में वन भेजना है ऐसे स्लैश लगा के ठीक है। ऐसे करके स्लैश लगाएंगे स्लैश करके यहाँ पे वन दे देंगे। अब ये क्या हुआ मोबाइल वाले में वन आ गया। अब रिलोड भी करना पड़ेगा हमें जो हमने चेंज किए हैं वो दिखना चाहिए ठीक है। हमने यहाँ पर रिलोड कर दिया। अब हम चेक करेंगे मोबाइल में सिर्फ मोबाइल आ रहे हैं ठीक है। लैपटॉप में सिर्फ लैपटॉप मोबाइल में बस लैपटॉप मोबाइल। अब इलेक्ट्रॉनिक वाले में क्या है अभी इलेक्ट्रॉनिक वाले में क्या है तो यहाँ पे सारे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में क्या करेंगे चलें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक की आई डी है थ्री तो हमने यहाँ पर आई डी थ्री दे दी सेव कर दिया रिलोड किया ठीक है। अब हमारा दूसरे पेज पे जाके दूसरे उस पे जाके आएंगे तो हमारे देखो यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आ रहे हैं बस ऑल में सारे आएंगे क्योंकि ऑल में सारे आने चाहिए। तो इस तरह काम करते हैं मोबाइल ऐप ठीक है। फिल्टर बढ़िया हो गया इतना सा काम करना था बस। बाकी देखो एड टू कार्ट वाले में अगर कुछ लगाना है तो हमको एड टू कार्ट वाले में यहाँ पे मॉडल पॉपअप लगाते हैं ऐसे क्लिक करें तो यहाँ पे वो दिख जाए। कोशिश करेंगे लगाने की लेकिन लग नहीं रहा आपके कुछ में समय टाइम बड़ा लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे ये आइकन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम छोटा करेंगे थोड़ा पूरा पूरा आ जाए ठीक है। कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ पे है ये आइकन होम पेज पे है शायद तीनों होम पेज पे और लैपटॉप हम तो इनको हम थोड़ा छोटा करेंगे और इनके आस पास की जो पैडिंग है पैडिंग चाहिए पैडिंग पैडिंग कौन सी आ रही है पास की ठीक है। तो ये ऑल तो खैर ठीक है ये ऑल तो पूरे में आ रहा सही। लैपटॉप का इसकी लेफ्ट को जीरो करके देखें लेफ्ट और राइट को जीरो करके देखें क्या हो रहा है। आपको लेफ्ट और राइट में जीरो कर दिया तो आ तो पूरे में गया ठीक है।
लेकिन ये writing tab container, अगर इसमें ये सारी की सारी पैडिंग हटा दें तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिख रहा है। सर्कुलर बॉर्डर रेडियस वगैरह ये भी हटा दें, फिर देखें कैसा दिखेगा। बैकग्राउंड कलर जो है ऐसे करके आ रहा, तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्टेड उसका है ना। एक मिनट और, कहीं पेंडिंग है लग रहा। लैपटॉप मोबाइल, इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर कलर देखें हटा के कैसा लग रहा। अब ठीक लगा रहा है। ऐसे ही कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, जो वो चीज़ चेंज करी है, इससे क्या होगा कि हमारा सारा का सारा एक लाइन में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फालतू का डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, मोबाइल वाला भी एक लाइन में आना चाहिए अब। ये गजब, ठीक है, ये यहाँ से देखो, ये अपनी सिलेक्टेड वाली फालतू की डेकोरेशन नहीं अच्छी कर रही। अब इलेक्ट्रॉनिक वाला भी देखें, पैडिंग हटा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये डेकोरेशन भी हटा दी। अब देखें ऐसे, अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अब एक लाइन में आ गया, अच्छा लगता। चाहो तो थोड़ा सा ना ये जो टेक्स्ट है ना ये बोल्ड कर दो। बोल्ड कैसे होगा, इसका इसका जो होता है ना, बोलते हैं इसको फॉन्ट वेट, STYLE स्टाइल, टेक्स स्टाइल फॉन्ट वेट, बोल्ड, ठीक है, देखते हैं कैसा लग रहा। हाँ सही लग रहा, इसी को लगा दो सब पे, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स सेव कर दें, रिफ्रेश करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा, लैपटॉप मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट अभी इतने इतने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने में बड़ा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें डेटाबेस में ऐड करने पड़ रहे हैं वन बाय वन, इसका कोई एडमिन पोर्टल बना नहीं है अभी, इसीलिए API तो हमने काम चलाओ बना दिए, ठीक है। अब देखो एड टू कार्ट पे क्या होना चाहिए, एक कोशिश करेंगे काम करने की, अगर ये हो जाएगा, अगर काम टाइम लगेगा तो चलो कोशिश कर रहे हैं अच्छा लगाने की, ठीक है। एड टू कार्ट में जैसे हम एड टू कार्ट में मॉडल पॉपअप लगाएंगे, जैसे ही इस पे मॉडल पॉपअप क्लिक करें तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट एड हो, राइट। चलो हम एक मॉडल पॉपअप लगाते हैं, कार्ड पे अलर्ट डायलॉग होता है, ठीक है, अलर्ट डायलॉग। तो चलो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑल से स्टार्ट करेंगे, ऑल कहाँ पे, होम पेज पे ही है,
और वाला होम पेज पे है ना, नहीं और का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल पॉपअप होता क्या है। अलर्ट डायलॉग, ए अलर्ट डी आई ए अलर्ट डायलॉग इन फ्लटर, अलर्ट डायलॉग बॉक्स इन फ्लटर। ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स इन फ्लटर में लिखा ऐसा करके आता है। ठीक है, तो यह है हमारा कोड। हम प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली ऐसे करके हम इसमें लगाएंगे। पे टू ऐड पे क्लिक करें तो मैसेज आएगा प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, राइट। या फिर ऐसा भी होता है जैसे हम यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं प्रोडक्ट की, क्या 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 डिटेल है मॉडल पॉप पे। चलो प्रोडक्ट डिटेल देखने के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। फिर अगर हम इस पर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल देखेंगे। फिर चलो हम बस खाली प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली का डायलॉग यहाँ पे लगाते हैं, बस प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली का डायलॉग। और एक टू कार्ड ये है। ठीक है, माय टाइटल यहाँ से है। ठीक है, चेक करते हैं अपडेट करके। एड टू कार्ड पे तो लगा रहे ना, एड टू कार्ड के ऑन प्रेस पे। अरे भाई कहाँ कर दिया, ऑन प्रेस सही तो है, इसका ऑन प्रेस तो ये है, एड टू कार्ड का ऑन प्रेस। यहाँ पे पहले प्रिंट करें, ठीक है, यहाँ करेंगे PRINT प्रिंट, यस वर्किंग। ठीक है, रिलोड किया, चेक करेंगे। लेकिन मॉडल पॉपअप क्यों नहीं आया, फ्लैट क्यों नहीं आया। चलो किसके चक्कर में पड़ गए हम, सीधा लेते हैं फ्लैट वाला। फिल्टर वाले पे सही मिलती है, एकदम सही जंपर मिल जाता, ये ले लो।
लेट्स चेक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली राइट, यहाँ पर ले लेते हैं SUCCESS सक्सेस अलर्ट, PRODUCT प्रोडक्ट एडिट एडिट सक्सेसफुल एडिट SUCCESS FUL Y। ठीक है, और इसमें कैंसिल की बटन नहीं रखेंगे, एक ही बटन रखेंगे ओके की। ठीक है, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा एडिट सक्सेसफुली। और इसमें एक चीज़ और होती है, थोड़ा सा और इसको लुक बढ़ाने के लिए अलर्ट बॉक्स में इमेज भी लगा सकते हैं, टिक आइकन होता है, देखो आइकन इसमें लगा के देखें, प्रोडक्ट एडिट सक्सेस अलर्ट यहाँ पे लगा के देखें आइकन, आइकन आइकन तो लगाना ही भूल गए, क्या था, चेक चेक बॉक्स, ऐसे लगाते हैं तो भूल गए आइकन, कई दिन से फ्लटर में काम नहीं किया। ICON आइकन इन फ्लटर, अरे भैया सोल्यूशन सबका है, बस सिंटेक्स तो देखो भूलना आम चीज है। हाँ इस तरह से लगता है, सिंटेक्स तो भूलना देखो आम चीज है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देंगे ऑटो चेक, नहीं यहाँ पे दे देंगे ऑटो चेक कैसा है, चलो अच्छा देखें भाई ऑटो चेक का आइकन कैसा था, ओके तो मुझे वाला आ गया। अब यहाँ पे दे दें चेक बॉक्स CHEC के चेक, आउटलाइन राउंडेड, और इसको 50 करना है, 80 साइज बड़ा सा है। अब आ देखो सही, आउटलाइन राउंडेड की जगह कर दें चेक CHEC के चेक बॉक्स लाइन ब्लैंक और डाटा बॉक्स राउंडेड, एक मिनट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, पूरा लूप में नहीं लगे हैं क्या प्रोडक्ट,
स्टैटिक कैसे आ रहा? अच्छा, दो जगह आया, ठीक है। बट ये पहले एक जगह प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, और ये ऑटोमेटिक क्लोज रखें क्या? इसको सेंटर में आप रखाइए। देखें सेंटर में आती है क्या, आ गई। और इसको भी सेंटर में दे दो, एंटर, चाइल्ड और प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। अभी ये भी सेंटर में आ जाएगा। गड़बड़ हो गया, ये सेंटर में नहीं आ पा रहा, उसका बर्थ गड़बड़ हो जा रहा। चलो उसको छोड़ने दे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वैसे तो देखो जो ये वाला ऐसे करके बना हुआ है ना, वाले का मतलब ये होता है ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो हम करना है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और जो ये तीर लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोड को थोड़ा सही कर दें। फॉर्मेटेड, ठीक है, ये से चाहिए भाई। चलो अभी ये ऑन प्रेस, इसके अंदर भी लगा दो, दो जगह है, एड टू कार्ट, ये लो लग गया दोनों जगह। बट ये ना प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, थोड़ा सा सेंटर करना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा। एक मिनट, इधर ना स्पेस दे देने दे, फिर तब आएगा। थोड़ा सा स्पेस दे देना, इतना चल जाना चाहिए था। ठीक है, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, अब सही लग रहा है। बस ये मैसेज दिखाया, बट इसके बाद में इसमें ना कुछ इसके ऑन प्रेस पे अलग डायनामिक काम होता है, वो डायनामिक काम नहीं कर रहे हैं अभी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक प्रोडक्ट एड टू कार्ड वाली एक API बनती है, वो डेटा लेके जाती है बैकेंड में, फिर वो डेटाबेस में ऐड होती है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है सक्सेसफुली का, तब हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं ओके का, सक्सेसफुली एड हो गया।
ठीक है, बट अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है भाई। सबसे पहले उसकी API भी बनानी पड़ेगी, बहुत बोरिंग का काम है, अभी बताए रखेंगे। और उन सभी में हम क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं डायलॉग बॉक्स टॉप, लैपटॉप में ऑन प्रेस पे गए, ये लगा दिया, एक जगह और है और ये लगा दिया, ठीक है, लैपटॉप में लगा दिया। चेक करेंगे लैपटॉप में, यहाँ पे पहले रिप्लेस कर लें रिलोड, ठीक है, लैपटॉप पे गए हम, आ गया। इसमें सर्कल आइकन होता है जो भरा भरा हुआ, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये वाला थोड़ा और मज़ेदार नहीं लग रहा, थोड़ा और मज़ेदार आइकन है। ला देखते हैं ये प्रोडक्ट का, वो मिलेगा जरूर। CHECK चेक बॉक्स, चेक बॉक्स आउटलाइन ब्लैंक, आउटलाइन ब्लैंक आउटलाइंड, चेक बॉक्स आउटलाइन, देखें क्या ऐसा है। अरे भाई देखो घंटा सा आ गया, चेक बॉक्स सर्कल आउटलाइन, सर्कल आउटलाइन शार्प, राउंडेड राउंडेड शार्प, ये सही लग रहा है। ये ना अपने हिसाब से आइकन लगा लो, कई सारे आइकन होते हैं। आइकन आइकन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने आइकन चेंज कर दिया और सेव किया और हमने रिलोड किया, चेक किया, लैपटॉप वाले में भी हमने आइकन लग गए, ठीक है, प्रोडक्ट एड इज सक्सेसफुली। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में और लगा दें, उन प्रेस वाला पूरा मटेरियल कॉपी कर लें। अब चलते हैं मोबाइल पे, मोबाइल के एक कार्ड का ऑन प्रेस दिया है, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया और नीचे आते हैं एक बार और, यह है, ठीक है, सेव कर दिया, बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब मोबाइल वाले में भी हो गया, अब हम चेक करेंगे, रिलोड करें, मोबाइल पर चलते हैं, एडिट सक्सेसफुल, ठीक है, ये आया। अब मोबाइल के बाद रह गया अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, कैटेगरी का एड टू कार्ट और, ठीक है, ये लो, रिलोड करा, आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है, लग गया सामने। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में बड़ा कहाँ क्लास जो है काफ़ी एड टू कार्ट की हमें API बनानी पड़ेगी, यह मतलब समझ जाओ कि इस तरह से काम होता है अभी, बाकी देखो अगर टाइम मिलेगा तो हम आगे की क्लास लेंगे, थोड़ा बेस्ट शेड्यूल चल रहा है अभी। चलो तब तक अभी इतना काम करो आप लोग, कोई डाउट आए कुछ, ठीक है, तो पूछो हमसे। थोड़ा ऐप अच्छा लग रहा है, इसी तरह से ऐप बनते हैं, बट ये कि किसी भी ऐप को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे देख ही रहे हो कितना टाइम लगता है हमें, इसीलिए डेवलपर की प्रोग्रामर की थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, लेकिन धीरे धीरे काम चलता है, लेकिन होता है काम इसी तरह से रहता है। तो सोच रहे हैं आज की क्लास में इतना ही रखें, कुछ अकाउंट वाले में क्या क्या हुआ अभी।
अच्छा इतने सारे पेज ये बने हुए हैं। बाकी फ्लो तो लगभग बढ़िया बना हुआ है इन सब का, बट ये इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ना मोबाइल नंबर वो सब साइनअप की भी एपीआई बहुत काम है। एपीआई वाला अलग से डेवलपर होता है, एक वो बनाता है एपीआई। बाकी ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। और कुछ और काम अगर है थोड़ा बहुत तो देखें, प्ले लिस्ट में इतने सारे हैं। चलो अच्छा, थोड़ा सा जैसे आपको इसमें एड टू कार्ट है तो एड टू कार्ट पर जाए, ठीक है। और जो डेटा हो वो और यहाँ पे उसकी काउंटिंग भी आती है, यहाँ पे आइकन लगाएं यहाँ पे। चलो तब तब तक इसमें आइकन लगाएं, कितने प्रोडक्ट जैसे एड हो जाएंगे तो उसके यहाँ पे काउंटिंग के लिए यहाँ पे कम से कम आइकन तो लगाएं। एक नोटिफिकेशन का आइकन टाइप में अपन क्या था, कितने प्रोडक्ट एड हो गए लगा हुआ देखें किसी में। एड टू कार्ट आइकन लिखा हुआ कहीं दिखेगा, कितने काउंटिंग काउंटिंग करें, काउंटिंग एडिड एडिड आइटम्स इन कार्ट एंड कार्ड सीओ यूनिट या डिस्काउंटिंग। हाँ ऐसे दिख रहा, इसको एक ये एक इस लाओ लगा कमेंट आइकन ये वाला ये है, ठीक है। तो हम ये लगा हुआ है हमारे होम पेज पे है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होम पेज पे नहीं, नेबार हुआ नहीं। यह कार्ड ठीक है, यह लेवल चैट जीपीटी से देखें कोशिश करके, अगर लोड लगा दे तो पर टाइम बच जाएगा ना। इसको पेस्ट करेंगे इनफ्लेटर इनफ्लेटर FLUWT इनफ्लेटर आइटम्स काउंट इन रेड। इन रेड आइटम्स काउंट आइटम्स एडिड इन काउंट आइटम्स एडिड इन काउंट्स इन रेड। देखें कुछ कोशिश करें कुछ लगा दे तो इसमें। अरे ये तो अच्छा रहा, कुछ डायनेमिक बना दे रहा। ये तो बहुत डायनेमिक कर दिया यार। चलो देखें कोड को,
इतना बड़ा कोड लिख दिया यार, बहुत कंफ्यूज कर दिया ये तो। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए और इसकी जगह पर हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब आइटम्स काउंट, डिक्शन भी लिखा ऑन टैब पे, सिलेक्टेड इंडेक्स स्कोर आओ, ठीक है। अब चेक करेंगे, वाह आ गया, गजब है ना। देखा 5, आ गया भाई आ गया। कितना टाइम बच गया, अब इतना बड़ा सा था कोड। इसमें क्या है, डायनामिक उसने कर दिया, एक इंडेक्स दे दी यहाँ पर, जितनी आपकी काउंटिंग आ रही है 15 20 25, आप यहाँ से बढ़ा दो तो वो ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। ये चीज़ सही है, डायनामिक ला के दे दिया, ठीक है। अभी तो देखेंगे तो ये 5 चेंज होगा, दस क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ है। इधर 10 हुआ, ओके। फिर से कर दें रिस्टार्ट आपको, आ गया 10 है, ठीक है। अब दिखा, ठीक है। इस तरह से कार्ड कार्ड मैच करके आइकन भी लगाता है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। और देखो ये जो भी कोड है ना, वो इसमें अभी हम गिटहब पे दे देंगे पूरा का पूरा। और देखो थोड़ा सा ये समझा दें मैंने कैसे ये जो कोड है कैसे काम कर रहा है। देखो इसमें इन्होंने कुछ लगाया, ये स्टैक करके, ये एक विजिट होता है, ठीक है। इसके अंदर उसने लिया आइकन, ठीक है। इसके अंदर यानी कि आइकन को बांट दिया 2 भागों में, एक भाग में बांट दिया पोर्शन, ठीक है। अब उसी में एक टेक्स्ट यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे काउंटिंग दिखा रहा है, जो कि वेरिएबल ऊपर लिया था, और उसका जो बैकग्राउंड है वो दे दिया यहाँ पे रेड, ये है। और यहाँ पर ये पैडिंग दे दी इसकी थोड़ी सी, अगर पैडिंग इसकी दे देंगे ज़्यादा, पैडिंग इसकी 1 दे दी, पैडिंग इसकी 5 दे दें तो देखें कितना दिखेगा, ज़्यादा बड़ा होगा। एक ही ठीक है, 2 2 में ऐसा आ रहा थोड़ा, मतलब तो अगर बड़ा दिखाना है, बट हमारे हिसाब से 1 ही बिल्कुल सही लग रहा है। एक ही ठीक है, आइटम एडिट एड वाले दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। इतना काम हुआ है, सबसे आज क्लास में इतना रखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास की जब भी करेंगे एड टू कार्ड की, इसमें एक एपीआई बनेगी, वो एपीआई बनाएंगे तब हो पाएगा आगे का काम। बट ये है कि आप लोग तब तक बैठे नहीं रहो, ये ऐसे ही सिमिलर सीखो, मतलब जैसे अभी काम कर लिया है तो फिर से ऐसे ही कोई दूसरा ऐप बनाओ अपना, ठीक है। उसमें थोड़ी डिजाइन कुछ चेंज करके बनाओ, बट इसी तरह से बनाओ, ठीक
इसी के साथ ही साथ काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूसली, तभी लगेगा, तभी तुम काम से जल्दी सीखोगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें 10 आ गए। ठीक है, अभी ये सर्च वाला भी काम करना है, जैसे सर्च करें तो यहाँ पे ये सर्च हो, तो सर्च के लिए बनेगी एक API। जैसे इस पे जाएं सर्च पे, यानी कि उस सेम API ना उसी में हम अपडेट कर देंगे सर्च के हिसाब से प्रोडक्ट आए जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत काम है यार इसमें तो, चलो जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। और ये वाला तो सेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा लग रहा, जैसे ही सर्च पे जाएं तो प्रोडक्ट जो भी सिलेक्टेड हो उसमें से आए, है ना, उतने ही फिल्टर हो जाए कम, लेकिन वो होगा तो API से ही लाइव सर्च। सर्च करें और फिर प्रेस करें यहाँ पे सर्च के बटन से, तब तो API कॉल होगी, इसी तरह से सही रहेगा। टैप करके बटन प्रेस करें, चलो फिर उसको बाद में करेंगे। चलो फिर ठीक है, आ जाते हैं, रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, और जो इतना कोड है हम दे देंगे। ठीक है, ये हटा देते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे। बाकी देखो इन फाइलों में चेंज किया था, और जो इसका कोड है लॉन्ग कोड को अभी कर देते हैं गिटहब पे अपलोड। अब हम इसका कहाँ है रिपोजिटरी, क्लासेस के अंदर ही है। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे सेवनटीन, क्लास नंबर 17 कर देते हैं इसको, शॉपिंग हब ई-कॉमर्स ECOMMER, ई-कॉमर्स की स्पेलिंग से थोड़ी मिस वो लग रही है, ई-कॉमर्स ऐप हो गए, शॉपिंग हब ई-कॉमर्स ऐप, ई-कॉमर्स, इसी के अंदर अब इधर से कोड, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये फिर यूटिलिटी या फिल्टर CLEAGENT क्लीन करा मैंने इधर, अब ये कोड कहाँ है मेरा, फिल्टर क्लासेस, फिल्टर क्लासेस शॉपिंग हब, इसका कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब हम क्लासेस में ई कॉमर्स 17 नंबर ई क्लासेस, इसके अंदर वाला जो था उसको डिलीट कर देंगे, और ये वाला कोड जो है वो हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे। लॉक कहाँ तक किया था, यहाँ से किया था। कभी गिट की भी एक क्लास लेंगे, बता दें कैसे कैसे गिट यूज किया जाता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तब तक जब तक है तब तक हम देखो बता देते हैं थोड़ा बहुत। C
सी एल ई ए आर, क्लियर, सी एल एस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे देखो हम गेट के अंदर ही है ना, तो हम सबसे पहले स्टेटस चेक करेंगे जो भी हमने चेंज किया है। ये हमारी नया फोल्डर, ये हमने नया फोल्डर बनाया है आज की क्लास का। तो हम इसे क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे, गिट ऐड डॉट, इससे कब जो भी हमारी ये फाइल, जितने भी फाइल चेंजेस थे वो सब के सब ऐड हो जाएंगे। अब उसको कमिट करना पड़ता है, कमिट का मतलब होता है कि जो भी काम हुआ है। अब ये तीन स्टेप होते हैं, गिट ऐड, फिर गिट कमिट और फिर पुश। तो हम कर देंगे यहाँ पे मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप क्लास 12, ठीक है, सी ए टी, सी ए टी ई जी ओ आर, कैटेगरी ए पी आई, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट फिल्टर, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट फिल्टर, ज़्यादा बड़ा सा नहीं, कमिट हो गया। प्रोडक्ट वाइज को हम इकट्ठा कर दें क्या, कैटेगरी वाइज इकट्ठा कर दें क्या, प्रोडक्ट फिल्टर मोबाइल प्रोडक्ट फिल्टर, क्लास 12 को इकट्ठा कर ही सकते हैं। कमेंट कर दिया, अब इसको करेंगे गेट पुश। गेट पुश जैसे किया, अब हमारा चेक करेंगे, देखो इस तरह से आ जाता है, ये 1.6 MB का था। अब हमारा कोड जो है यहाँ पे, आगे 17 नंबर, ठीक है, देखो दिख रहा होगा है, ये 17 नंबर कोड यहाँ पे आ गया, 17 नंबर का ही आ गया। यहाँ की स्पेलिंग सही नहीं, कोई नहीं, स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक होती रहती है। तो ये लेटेस्ट कोड आ गया यहाँ पे आज ही क्लास का। अब आराम से यहाँ से आप लोग डाउनलोड करो और यूज करो। डाउनलोड करना पहले से ही मैंने बताया था, इसीलिए अब फिर से नहीं बताएंगे। चलो फिर ठीक है, आज के क्लास में इतना रखेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, अब थकान सी हो रही बहुत ज़्यादा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा, और बने रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहो तभी फिर आगे सीख पाओगे, ठीक है। चलो तो हम आज की क्लास में तय रखेंगे, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये जरूर करो भैया। चलो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। बाय 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 बाय, हम भी थोड़े बड़े होके दिखे अब। बाय 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 बाय, लाइक कमेंट, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, यस, ओके बाय।